अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फैज़ फ़हीम, आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें हमसे कहा गया है द एक्सप्रेशन, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, इसको पॉलिनोमियल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेशन की टाइप पॉलिनोमियल है जिससे हम डील कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन में यहाँ पर जो पावर्स हैं उनको पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव पावर्स के साथ है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन को पहले पॉलिनोमियल के नाम से बताया गया था। आपकी एक्सरसाइज 5.3 में हमने इनको पहले एक्सप्रेशन नहीं कहा था, पॉलिनोमियल्स कहा था, तो आपने यहाँ पर परेशान नहीं होना है। इनको एक्सप्रेशंस भी कहते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन की टाइप ही है पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो लीव्स रिमाइंडर ऑफ -3 और 12। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के दो रिमाइंडर हैं। क्यों दो रिमाइंडर हैं? क्योंकि इन्हें डिवाइड किया है x-1 से और x+2 से रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे जो रिस्पेक्टिवली का मतलब है, वो मतलब ये है कि यहाँ पे जो पहला रिमाइंडर है वो पहले वाली फैक्टर का है, और जो दूसरा रिमाइंडर है 12, वो दूसरे फैक्टर का है, इसलिए यहाँ पर रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ किया है। तो कैलकुलेट द वैल्यूज़ ऑफ एल एंड एम, यहाँ पे स्टूडेंट्स उसने हमें कहा कि ये जो एक्सप्रेशन है, जो पॉलिनोमियल है, उसका रिमाइंडर -3 होगा जब हम उसे डिवाइड करेंगे x-1 से, और फिर रिमाइंडर आएगा 12 आएगा जब हम उसे डिवाइड करेंगे x+2 से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो इक्वेशंस आएंगी हमारे पास जिससे हम एल और एम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पॉलिनोमियल को लेते हैं, एक्सप्रेशन को लेते हैं, और इसे डिवाइड करेंगे x-1 से, और फिर उसका जो रिमाइंडर आएगा उसको हम -3 के इक्वल रखेंगे, जिस तरह से हम अपने पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं, पहले लेट करते हैं, लेट पी इंटू एक्स इज इक्वल टू, जो एक्सप्रेशन है उसको हम पी इंटू एक्स के इक्वल करेंगे एल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वेयर -4। ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, हमने इसको पहले डिवाइड करना है -3 रिमाइंडर लाने के लिए x-1 से। तो मैं लिखूँगी फ्रॉम x-1 इज इक्वल टू 0, हमने यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, -1 इस साइड पे जाकर +1 हो गया। अब +1 को पुट करना है पॉलिनोमियल में जहाँ पर x है, 1 इज इक्वल टू एल 1 क्यूब प्लस m इंटू 1 होल स्क्वेयर -4 इज इक्वल टू l है, ये हमारे पास ये l है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 ही रहेगा, m के साथ 1 का पावर जो स्क्वेयर है वो 1 ही रहेगी, यानी m ही रहेगा, -4 पी इंटू -1। यहाँ पर हमारे पास जो रिमाइंडर आया है एट पोजीशन 1 पर, वो l प्लस m -4 है, क्योंकि यहाँ पर l और m अननोन है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन, हमारे पास कंडीशन के मुताबिक जो रिमाइंडर आना चाहिए p इंटू 1 जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, पी इंटू 1 क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो यहाँ मैंने इसे -3 पुट किया है। अब यहाँ पर जहाँ इक्वेशन में हमारे पास ऊपर पी इंटू 1 है, यहाँ मैं -3 पुट करूँगी, तो -3 इज़ इक्वल टू 100, -3 इज़ इक्वल टू एल प्लस एम -4। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेते हैं एल प्लस एम, और ये -4 को दूसरी साइड पर ले जाकर प्लस कर देंगे, और इसे सॉल्व कर लेते हैं, प्लस -4 फोर में से 3 1 आ गया एल प्लस एम, यानी मैं इसे लिख सकती हूँ एल प्लस एम इज़ इक्वल टू 1। इसे मैंने सिर्फ रीअरेंज किया है, वन को दूसरी साइड पे ले आए और एल प्लस एम को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया है अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक इक्वेशन आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ये एल प्लस एम इज़ इक्वल टू 1 है, ये नहीं है यहाँ पर जो माइनस है। अब हम इसकी सेकंड जो कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, वो फिर से हम p इंटू एक्स लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं नाउ p इंटू एक्स इज़ इक्वल टू एल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वेयर -4। अब हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे जो हमारे पास दूसरा फैक्टर है जिससे वो डिवाइड हो रहा था, वो x+2 है इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -2। अब -2 को हम x की प्लेस में रखेंगे, इज़ इक्वल टू l -2 होल क्यूब प्लस एम -2 होल स्क्वेयर -4। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, एल 2 की पावर जो 3 है इसका मतलब है 8, और ये -8 है क्योंकि यहाँ पर -2 की पावर ओड है, प्लस एम 2 टू द 4, और ये +4 है -4।
यहाँ पे टू का माइनस टू को हमने टू टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट्स टू टू द फोर और माइनस माइनस प्लस हो गया है, और यहाँ पर माइनस टू जो थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस एट ही आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस होता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर पहले तो लिखते हैं माइनस एट एल प्लस फोर एम माइनस फोर, और इस साइड पे हमारे पास है पी इंटू माइनस टू बाय द गिवन कंडीशन, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास जो कंडीशन थी उसके मुताबिक रिमाइंडर आ रहा था माइनस, रिमाइंडर आ रहा था 12। बाय द गिवन कंडीशन वी हैव कि जो रिमाइंडर है पी इंटू माइनस टू, ये जो रिमाइंडर है उसको क्या होना चाहिए, इक्वल 12 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपने रिमाइंडर को, जो हमारा रिमाइंडर आया है क्वेश्चन में, इसको हम 12 के इक्वल पुट करेंगे। 12 इज़ इक्वल टू माइनस एट एल प्लस फोर एम माइनस फोर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस फोर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो प्लस फोर हो जाएगा इज़ इक्वल टू माइनस एट एल प्लस फोर एम। 12 प्लस फोर कितना होता है, 16 माइनस एट एल प्लस फोर एम। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक इक्वेशन तो आ गई है, लेकिन हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय टेकिंग कॉमन। तो इन दोनों टर्म में से कॉमन आ सकता है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 4। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया माइनस टू एल, क्योंकि 4 टू द 8 होता है, प्लस एम इज इक्वल टू, कि दूसरी साइड पे 16 है। अब 4 को हम दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ गया माइनस टू एल प्लस एम। 4 फोर द 16, 4 इज इक्वल टू माइनस टू एल प्लस एम। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने इसे रीअरेंज कर दिया है, यानी माइनस ट्वेल्व प्लस एम इज इक्वल टू 4 लिख दिया है। अब ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन 2 का नाम देंगे इसे। इक्वेशन 1 को देखते हैं वो क्या है। इक्वेशन 1 हमारी आई थी एल प्लस एम इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन 1 और 2 की मदद से हम फाइंड आउट करेंगे एल और एम की वैल्यू। तो यहाँ पर मैं एल प्लस एम इज इक्वल टू 1 लिख देती हूँ। ये इक्वेशन 1 है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। हम दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था। इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत से मेथड होते हैं, उनमें से एक साइमल्टेनियसली भी है और एक पुटिंग वाला भी है। यहाँ पर आप इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। जैसे यहाँ पर 1 माइनस एम, और इस एल की 1 माइनस एम वैल्यू वैल्यू को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो अब आपके पास आ जाएगी एम की वैल्यू, और फिर इसी तरह से एल की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व कर लेती हूँ। साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करते हुए ये मेथड होता है कि हमने दोनों टर्म में से किसी एक टर्म को सेम करना होता है, और जब अगर सेम हों तो हम उन्हें प्लस या माइनस करते हुए देखते हुए। तो यहाँ पर मेरे पास जो दो इक्वेशन हैं, यहाँ पर सेकेंड टर्म देखें एम सेम है लेकिन प्लस प्लस हैं, तो हम यहाँ पर इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जिससे क्या होगा कि साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हम जब भी माइनस करते हैं साइन चेंज हो जाते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम 2। तो यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ माइनस टू एल प्लस एम इज इक्वल टू 4, एल प्लस एम इज इक्वल टू 1। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ गया माइनस माइनस प्लस माइनस 3l, ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि अब यहाँ पर साइन माइनस है और एक प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो m कैंसिल आउट हो गया। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस करें तो 3 आता है, l की वैल्यू आ गई, माइनस 3 से डिवाइड करें तो आता है माइनस 1। l की वैल्यू आ गई है माइनस 1। इस l की वैल्यू को हम पुट करेंगे अपने इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। ये सिंपल सी इक्वेशन है तो इक्वेशन 1 में पुट कर लें, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूँगी पुट l इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1, जिसके मुताबिक l प्लस m इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर l की माइनस 1 वैल्यू पुट की, प्लस m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1, ये माइनस 1 दूसरी साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 2, m इज इक्वल टू 2। हमारे पास l और m की वैल्यूज़ आ गई हैं। यहाँ पे लास्ट में मैं लिख दूँगी अपने रिजल्ट में, रिजल्ट लिखते हैं यहाँ पर एल इज इक्वल टू माइनस 1 और एम इज इक्वल टू 2 है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया है, हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 के मुताबिक यहाँ पर एक्सप्रेशन है एक, ए एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 3a। वो कहते हैं कि जो एक्सप्रेशन है हमारे पास ये एग्जैक्टली डिविजिबल है बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। और ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है या एक्सप्रेशन है जिसको हमने डिवाइड किया है
इस एक्सप्रेशन से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो इससे पहले डिवाइड करते आए हैं अपने पॉलिनोमियल्स को, वो हम उसके फैक्टर से डिवाइड करते आए हैं। यानी कि इस तरह से एक्स माइनस ए, एक्स माइनस फाइव, इस तरह से हमारे पास फैक्टर्स होते थे या पॉलिनोमियल्स होते थे जिससे हम इन्हें डिवाइड करते थे। यहाँ पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल, उसने हमें एक्सप्रेशन दिया है, इसके हम पहले फैक्टर्स बनाएंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। और इसके फैक्टर्स हम किस तरह से बनाएंगे, हमें पता है कि हमारे पास ये जो टाइप है एक्सप्रेशन की, जिसको हमने फैक्टराइजेशन करना सीखी थी, वो है एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स प्लस क्यूब वाली टाइप है। तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस को हमने सॉल्व किया था कि हमारे पास जो सिक्स होते थे उसके हम फैक्टर्स बनाते थे और फिर मिड टर्म की वैल्यू को लेकर आते थे। तो टू थ्री द सिक्स, थ्री वन द थ्री, थ्री और टू जो है वो दोनों मिलकर बनाएंगे माइनस फाइव एक्स। यानी इस तरह से माइनस टू माइनस फाइव, माइनस थ्री माइनस टू इज इक्वल टू माइनस फाइव होता है। तो यहाँ मैं लिखूंगी एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो एक्स दोनों टर्म में से कॉमन लें तो एक्स आ गया, एक्स माइनस थ्री माइनस इन दोनों टर्म में से कॉमन आता है टू, और माइनस टू कॉमन लिया है यहाँ पर तो आ गया, साइन चेंज हो गया अंदर, टू थ्री द सिक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, इन दोनों टर्म में से एक्स माइनस थ्री कॉमन है, एक्स माइनस थ्री कॉमन लिया, बाकी एक्स माइनस टू। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन गिवन था, जो डिवाइड हो रहा था पॉलिनोमियल से, उसके फैक्टर्स के फॉर्म में क्या आ गई, वो एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू। अब ये हमारे पास जो दो फैक्टर्स हैं, अब हम इनसे सेपरेटली जो है वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहले एक्स माइनस थ्री से अपने पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, पहले हम एक्स माइनस थ्री से अपने इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, फिर एक्स माइनस टू से सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसने कहा है ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या है कि रिमाइंडर जो है हमारे पास वो ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशन है क्वेश्चन की, जिसमें एग्जैक्टली डिविजिबल का वर्ड यूज़ किया है, जिसके मुताबिक रिमाइंडर का ज़ीरो आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जब हम एक्स माइनस थ्री से अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा उसे हम इक्वल रखेंगे ज़ीरो के। तो अब हम इसको करते हैं फर्दर सॉल्व। यहाँ पर मैं लेट कर लेती हूँ क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए अपने एक्सप्रेशन को, पी इंटू एक्स इज इक्वल टू जो एक्सप्रेशन है ए एक्स क्यूब प्लस माइनस नाइन एक्स स्क्वेयर माइनस नाइन एक्स स्क्वेयर, अपने एक्सप्रेशन को बहुत ही केयरफुली जो है वो नोट डाउन करना है, प्लस बी एक्स प्लस थ्री ए। ये हमारा जो एक्सप्रेशन है इसको हमने पी इंटू एक्स से इक्वल लेट कर दिया, और फिर लिखना है फ्रॉम एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास अब ये दो फैक्टर्स आए हैं, इन्हें वन बाई वन हम लेकर सॉल्व करेंगे। पहले जो हमारे पास क्वेश्चंस होते थे, क्वेश्चन नंबर सेवन एट जो भी क्वेश्चन 5.3 के थे, उनमें ये हमें फैक्टर्स की फॉर्म में ही गिवन होता था, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक्सप्रेशन था, उस एक्सप्रेशन के हमने ये दो फैक्टर्स बनाए। अब इन फैक्टर्स से हम फाइंड आउट करेंगे रिमाइंडर्स को। तो एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री, इसको हम पुट करेंगे एक्स की प्लेस पर, तो हमारे पास क्या आता है, ए इंटू थ्री की पावर क्यूब माइनस नाइन, एक्स की प्लेस पर रखेंगे थ्री ऊपर स्क्वेयर है, प्लस बी इंटू थ्री प्लस थ्री ए। इसको हम करते हैं सॉल्व, तो हमारे पास आता है ए थ्री थ्री द नाइन, नाइन थ्री द 27, पॉजिटिव 27 है, माइनस नाइन थ्री थ्री द नाइन प्लस थ्री बी प्लस थ्री ए। अब यहाँ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे 27 ए माइनस नाइन नाइन द 81 प्लस थ्री बी प्लस थ्री ए। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ए और ए वाली हमारे पास दो टर्म्स हैं जिन्हें हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे 27 और प्लस प्लस प्लस, 27 और 3 कितना होता है 30 ए माइनस, यहाँ पे प्लस 3 भी लिख देती हूँ, और माइनस 81 मैंने इसको अरेंज कर लिया है पी इंटू थ्री। तो स्टूडेंट्स बाय द गिवन कंडीशन, ये गिवन कंडीशन क्या है, उसने कहा था कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी जो x माइनस थ्री वाला फैक्टर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो इसका मतलब है जो रिमाइंडर आना चाहिए p इंटू थ्री, वो क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि ये तभी एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकता है जब रिमाइंडर ज़ीरो हो। तो हम यहाँ पर अपने रिमाइंडर को रखेंगे ज़ीरो के इक्वल, यहाँ पे जब हम p इंटू थ्री को पुट करेंगे ज़ीरो, तो ये ज़ीरो लिख दिया इन 30 a प्लस 3 b माइनस 81। यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आ गई है, इसे हम इस तरह से लिख देते हैं 30 a प्लस 3 b माइनस 81 इज इक्वल टू ज़ीरो। हम इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम यहाँ से ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को कॉमन ले लें। तो यहाँ पे तीनों के पास क्या चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लेने के बाद a के पास बचता है 3 वन द 3 ज़ीरो a 10 a प्लस b माइनस 3 टू द 6 और 3 सेवन द 21 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इस 3 को दूसरी साइड पे ले जाकर
डिवाइड कर देंगे और हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म इस तरह से आ गई है, 0/3 ज़ीरो ही होता है। मीन्स के हमारे पास ये 10a + b - 27 = 0 इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब हम एक और इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकेंड फैक्टर। तो हम यहाँ लिखते हैं नाओ p × x एक्सप्रेशन को लिखेंगे और दूसरे फैक्टर की वैल्यू को पुट करेंगे जो हमने फैक्टराइजेशन में बनाया है, -9x² + bx + 3a। यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हम क्या पुट करेंगे, हम यहाँ पर लेंगे फ्रॉम, यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हमने फ्रॉम किससे लेना है, दूसरा फैक्टर यूज़ करना है, x-2 वाले फैक्टर को यूज़ करना है। तो यहाँ हम स्टूडेंट्स अब लिखेंगे फ्रॉम x-2 से = 0 पुट करें तो आता है x = +2। ये 2- हो जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। अब x की प्लेस पे रखेंगे 2 = a, x की प्लेस पे 2³ - 9² + b² + 3a। इसको सॉल्व करें तो आता है 2³ का मतलब होता है 8a - 2⁴ और 4⁹ 36 + 2b + 3a। यहाँ पर हमने a और a वाली वैल्यूज़ को प्लस माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 और +3 कितना होता है 11a - 36 + 2b, और इस साइड पे है b × 2। अब हमारे पास जो कंडीशन है उसके मुताबिक रिमाइंडर को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा x-2 जो फैक्टर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय द गिवन कंडीशन के मुताबिक p × 2 = 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रखूँगी 0 = 11a - 36 + 2b। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। मैं लिखती हूँ 11a + 2b - 36 = 0। यहाँ मैंने 11a और 2b को एक साथ में रख लिया और -36, हम इसको दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। चाहे 0 को इस साइड पे रख लें और इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, दोनों इक्वल ही रहेंगे। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 11a + 2b = -36 और दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 2 का। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, उन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं और पुटिंग वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 है 10a + b - 27। तो यहाँ हम लिखते हैं 10a + b - 27 = 0। इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं 10a + b = 27। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, जो अब इन दोनों इक्वेशंस की मदद से जो इक्वेशन 1 और 2 है हम फाइंड आउट करेंगे b की वैल्यू और a की वैल्यू। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इसे पुटिंग वाले मेथड से भी कर सकते हैं और इक्वेशंस को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दो इक्वेशंस, यहाँ पर अगर आप देखें साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखें a जो टर्म है a के साथ है 10, यानी कि अगर एक दोनों कोफिशियंट्स दोनों इक्वेशंस में एक के कोफिशियंट सेम हो जाएं तो हम इन्हें जो है वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों एक 11 है एक 10 है तो हम इसे यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। बी को अगर आप देखें तो बी का कोफिशियंट है 2 और यहाँ पे बी का कोफिशियंट है 1, तो यहाँ पर अगर बी के साथ 2 कोफिशियंट हो जाए तो हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं करती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को बाय 2। ये 2 से मैं क्यों मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि b को मैंने बनाना है 2b, तो यहाँ पर हमें पूरी इक्वेशन के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, 27 × 2। तो ये हो गया 10⁻²⁰ + 2b = 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 7⁻¹⁴, 1⁻²⁴, 5⁵¹⁴। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है इसे हम 3 का नाम दे देते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को, क्योंकि यहाँ पर सेकंड टर्म है 2b दोनों सेम हो गई हैं और ये दोनों क्या हैं, प्लस हैं, तो हमने इनको साइन को भी चेक करना होता है। अगर ये दोनों सेम साइन हों तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर साइन ऑपोजिट हों तो हम इन्हें ऐड करते हैं। तो हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर साइन को चेंज करना है जिसकी वजह से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास a की वैल्यू आ जाए। तो अब हम इसे दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ मैं लिखूँगी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 को फ्रॉम 2, हमने 2 से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम पहले इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, 11a + 2b = 36 और 20a + 2b = 54।
यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम इन्हें करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 20 में से 11 को माइनस करें तो आता है 9, और साथ में ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस 9a प्लस 2b, माइनस 2b अब हो गया है तो प्लस 2b और माइनस 2b कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 54 में से 36 को माइनस करें तो आता है 18। और यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो साइन माइनस है वो ग्रेटर वैल्यू के साथ है तो यहाँ माइनस लगाएंगे और a की हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस 18 ओवर माइनस 9, ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव 2, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया तो ए आ गया 2। अब इस ए की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ मैं पुट करती हूँ ए इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। तो जो हमारे पास इक्वेशन 2 है वो ये है 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36। इस इक्वेशन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 11a की प्लेस पे 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 36, 11 टू द 22 प्लस 2b इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो 2b एज इट इज़ लिखेंगे, 22 को दूसरी साइड पे ले जाकर माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आता है 6 में से 2 माइनस किया 4 और 3 में से 2 माइनस किया 1 तो 2b। अब b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो 2 को हम दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 2 7 द 14, तो हमारे पास b आ गया 7। हमारे पास दोनों a और b की वैल्यूज आ गई हैं, a इज इक्वल टू 2 एंड डी इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा सॉल्व हो गया है। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व किया बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।